কেন নেই? আর আমরা সেই এডিসি এরিয়া যেটা বীর বিক্রমের কল্পনাতে 1980 তে, আপনারা যে রাইটের কথা বলছেন, 1940-41 ইট ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড, ওয়াই ডিড নট দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রিপিল ইট? সপ্ত রাজ্যের যত আইন ছিল সবটা তো রিপিল করা হয়েছে। আপনি আসুন, শিক্ষিত লোককে দেখেন, ইউনিভার্সিটিকে দেখেন, পলিটিশিয়ানসকে দেখেন, এন্ড লেট দেয়ার বি আ ডিবেট। ওয়াই পয়েন্ট ফিঙ্গার্স? এটাতে কি বোঝা যায় কি আপনার শিক্ষা বড় সীমিত ছিল, শুধু ঘৃণার পলিটিক্স? কি করে আমরা ভুলতে পারি কি আমরা ত্রিপুরার এত বড় এলাকা ছিল, পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আমরা একটা বিশেষ রিলেশনশিপ ছিল। আর আপনারা দাঙ্গার কথা বলছেন কি প্রদ্যুৎ বিক্রম এখন দাঙ্গা করাবেন 1980 দাঙ্গার মতন? হাউ ডু আই নট নো হি ইজ দ্য হোম মিনিস্টার, হি উইল স্টার্ট ইট? আই ব্লেম হিম ফর মেকিং সাচ এ স্টেটমেন্ট। নিপেন বাবু আর উনার মধ্যে কি তফাৎ আছে? হাউ ক্যান ইউ টক লাইক দ্যাট ইন বিটুইন ডিউরিং দ্য ইলেকশনস? দ্য চিফ ইলেকশন কমিশনার শুড স্টপ হিম, অ্যান্ড উই শুড সি টু ইট দ্যাট দ্য ইলেকশনস আর নট হেল্ড আন্ডার হিজ লিডারশিপ। নরেন বাবু শুড নরেন মোদি শুড রিমুভ হিম ফ্রম দিস। আপ ধার্মিক করবায়েঙ্গে কে ঝগড়া, জাতীয় করায়েঙ্গে? ইয়ে কে হাকা পলিটিক্স হ্যায়? ये कौन सा पॉलिटिक्स है? साहस नहीं है उनको बोलने का तो बोलो कि हम यही पॉलिटिक्स करते हैं। हमारा पूर्व पुरुष ने कभी नहीं किया, हम उस वंश से आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को ये वीरचंद्र महाराज ने 1898 में ही डाइड अराउंड दैट टाइम ही डिस्कवर्ड रवि ठाकुर। वीर विक्रम को बोला महाराज ये सुभाष चंद्र बोस ने, ऐसा पांच राजा होता भारत में, भारत आज स्वाधीन होता। ये लोग झूठे थे। राधा किशोर माणिक्य ने दिया हुए बंगाली थे तो सभी भेजा इंग्लैंड में। प्लांट्स आर अ लिविंग थिंग, द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गो टू इंग्लैंड एंड ऑन कंडीशन नहीं बोलेगा। ये कौन सा पॉलिटिक्स है कि आप जात धर्म को लेकर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं? प्रशासन आपके हाथ में है, पैसा आपके हाथ में है, करोड़ों अरबों आते। हम लोग के टाइम में क्या पैसा था? त्रिपुरा महाराजा का क्या इनकम था? 8-10 लाख रुपया? ये बहुत बहुत नीच टाइप की पॉलिटिक्स हो रही है। आई मेरा स्वर्ग माय हस्बैंड 3 times वी वन, he won, I won once. This is the most low type of politics. हम हिंदू हैं तो हम क्या सब मुसलमान खराब है? अच्छे मुसलमान भी, हमारे तो अच्छे दोस्त भी है। जो अच्छे नहीं है, जो उग्रपंथी है, उनको पनिश करिए। जो टेररिस्ट है दे शुड बी पनिश, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, हम भी अगर हो। ये कहां से बात है, इतना छोटापन? ये राजनीति है? ये गीता में ये राजनीति बोला है? हमारे गीता में तो ये नहीं बोला है। देश काल पात्र, जिस समय राम का जन्म हुआ वो सतयुग था, कृष्ण भगवान के टाइम में भी हम लोगों के गीता ने बोला है ऐसा कि राजा को क्या होना चाहिए, पात्र कैसा होना चाहिए, आदमी कैसा होना चाहिए, कौन जगह कैसी अवस्थाएं बनी, तब युद्ध हुआ। तो बिना पढ़े लिखे जो आया बोल दिया। ना आप अच्छे हिंदू हैं, ना आप अच्छे शासक हैं। सुनील देवधर का आना और ये बोलना बहुत ही मुझे ताज्जुब है कि एक शिक्षित लड़का होके एक लड़की के बारे ऐसी बातें करें। आपको है पूछना है, कोई प्रश्न करना है पूछिए, कोई मनाही नहीं है। आप उसके पीठ के पीछे आप जो चाहे आप प्रोपेगेंडा कर दीजिए। देश को एक रखना है कि तोड़ना है? इधर बात कर रहे हैं भाजपा देश को बड़ा करना है, विश्व में नाम हो गया है,
अरे जब नाम हुआ है तो अच्छी बात है, हमारा प्रधानमंत्री का नाम होता है हम खुश हैं, मगर प्रचार में हमको अपनी शिष्टाचार की सीमाएं रखनी चाहिए। अगर हम अपना शिष्टाचार को नहीं रखते हैं, सभ्यता को नहीं रखते हैं, हमारा भारतीय संस्कृति को हमने नहीं रक्षा दिया। सांस्कृतिक रक्षा हमारी वो है, हमारा कल्चर वो है, हमारा सभ्यता वो है कि स्त्री जाति का हम सम्मान करें, जो लोग जिन्होंने जो काम नहीं किया है उनके नाम में झूठा प्रचार ना करें। हमारा निपेन बाबू के साथ विरोध था, हमने कभी भी निपेन बाबू को ऐसा बात नहीं कहा जिससे हमने उनको छोटा दिखाया हो। दशरथ हमारा सबसे बड़ा विरोधी था, महाराजा का था, हम लोग ने कभी पर्सनल अटैक्स नहीं किए। इतना छोटा स्तर का इतना नीचे झुक जाना दिखाता है कि हमारा देश का कल्चर, त्रिपुरा स्टेट का कल्चर खराब कर दिया। यहाँ का जो बासिंदा का जो उच्च ख्याल थे उसको आपने नीचे कर दिया और आप उसको धमका रहे हैं। आपका पुलिस आपके हाथ में है, आपका प्रशासन आपके हाथ में है, सभी कुछ तो आपके हाथ में है और आप आदमी का चरित्र खराब कर रहे हैं पैसा बांट के। सबसे बड़ा काम आप उसको घूसखोर बना रहे हैं। आप कहते हैं काला पैसा नहीं चाहिए, आप काला पैसा पैदा कर रहे हैं। हम थे यहां पर, हमने यहां तक कि सब जमीन हमारी ले लिया, लूट लिया, उसका हमको कोई मिला नहीं मुआवजा। मगर हमारे महाराज को और महाराज ने हम दोनों का यह था कि जब तक हम यहां राजस्व दफ्तर है में हम है, हमारे सब कागज और कोई देखेगा, हम नहीं देखते थे, हमने एक उसका फायदा नहीं लिया। यह होता है अपहोल्डिंग द हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड्स। वेयर आर योर मॉरल स्टैंडर्ड्स? मीडिया शुड टॉक अबाउट मॉरल स्टैंडर्ड्स, नॉट गॉसिप, not propaganda which is cheap. And that is my request to you on this new year, and I hope you will forgive me. With folded hands I say, if I have said something which may have hurt some of you, I am extremely sad about it, but I speak the truth and I am known to speak the truth. I am known to speak the most unpleasant truth. So with this I will request you, please tell the government that the ECBs where my daughter went to vote, Subal Bhaumik ka naam mein vote kiya, koi aur Bhaumik ko mila. That means tampering is there with the machineries. Aajkal technology desh hai, hum aajkal technology se bahut poor hai, hum nahi jante, gaon ka aadmi nahi janta. Prime Minister sab jante hain, unko aata hai kya karna kya nahi. Science bahut upar chala gaya hai. मगर जो मानवता का, मानसिकता का जो इमोशन है उसको हम सामने रखते हुए आपके सामने आपके माध्यम से हम रखना चाहेंगे कि हमारे शब्दों को नहीं तोड़ा जाए, हमारे शब्दों को बहुत साफ ढंग से, साफ सुथरे ढंग से पेश किया जाए। ये बोल के हम आपको आज फिर से नया साल का बहुत बहुत आशीर्वाद।